देखिए, प्रकाश अंबेडकर का जी का जो बयान है उनसे पूरा देश सहमत है। हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे जी का भी ये बयान हमेशा रहा कि नोटबंदी का फायदा क्या है, क्या हो गया, बैंकों के कतार में हजारों लोग मारे गए उस वक्त, उनका जिम्मेदार कौन है। ये एक प्रकार से फिनेंशियल टेररिज्म था कि देश में लाया गया, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक आतंकवाद। हजारों लोग मारे गए यहां, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए इस निर्णय से। टेररिज्म ज्यादा ही बढ़ गया, ब्लैक मनी कम नहीं हुआ है, काला पैसा कम नहीं हुआ, काला धन कम नहीं हुआ, तो क्या फायदा क्या हो गया? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, चार जज कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम था, लीगल था, लेकिन हम सहमत है जस्टिस नागारत्न जिसने डिसेंट नोट दिया और आपने बात सामने रखी है कि ये इलीगल है, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है और एक प्रकार के ये मनमानी थी, यही लोगों की आवाज है। लेकिन फिर भी अगर न्यायालय ने निर्णय दिया है, हम न्यायालय को देखिए, सरकार बदलने के बाद अचानक हमारी सबकी सिक्योरिटी खत्म कर दी, जैसे कि हमें कोई धोखा ही नहीं है, ठीक है हम डरते नहीं, हम तो अकेले होने वाले लोग, लेकिन सिक्योरिटी किसकी बढ़ाई? ये जो 40 लोग गद्दार और जो सरकार के साथ है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, आगे पीछे अब ताफा कारवां चल रहा है, चलने दो उनसे, उनको किससे धोखा है? लेकिन उनके घर के कुत्ते और बिल्ली को भी सिक्योरिटी दी, आप देख लीजिए जाकर, उनके घर में जो कुत्ते और बिल्लियां है, उनके घर में जो नौकर चाकर है, उनको भी सिक्योरिटी सरकार ने दी है, आप देख लीजिए, पूरा मामला कोर्ट में आ जाएगा। बोलिए, मुंबई में आ रहे हैं, स्वागत है। योगी जी इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री है, मुंबई इस देश की एक बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, आर्थिक राजधानी है। अगर यहाँ आकर यहाँ के उद्योगपति से कोई मिलना चाहता है अपने राज्य के विकास के लिए तो उनका स्वागत है। विरोध इतना ही है, अगर कोई बोले कि हम यहाँ से उद्योगपतियों को हमारे यहाँ खींच कर लेके जाएंगे, यहाँ का उद्योग लेके जाएंगे, विरोध हमारा इस पर। उत्तर भारत के हजारों लाखों लोग यहाँ नौकरी धंधे में पेशे में है ना, किसको विरोध है? अगर वहां विकास होता है तो अपने घर में लोग रहेंगे, तो उसमें क्या है, देश एक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।